सहारनपुर से हमारे सहयोगी मिलन इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, सीसीटीवी के आधार पर लगातार पहचानने की कोशिश हो रही थी और चार संदिग्धों को पकड़ा गया है, इनके बारे में क्या जानकारी है, कौन है ये, कितने लोग इनके साथ और शामिल थे, कुछ पूछताछ में प्राथमिक तौर पर अभी तक सामने आ पाया? देखिए अर्पिता, इस वक्त जो चार लोगों को पकड़ा गया है वो संदिग्ध हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कितने और लोग इनके साथ जुड़े होंगे इस पूरे प्रकरण में उसकी भी जांच पड़ताल इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। दूसरी बहुत अहम बात कि उस गाड़ी को रिकवर कर लिया गया है, जिस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे जिन्होंने बंदूक चलाकर चंद्रशेखर पर हमला किया और एक गोली उसकी चंद्रशेखर आजाद को छू कर निकली है, और यही एक कारण है कि इस वक्त भी वो यहाँ सहारनपुर के अस्पताल में इस वक्त एडमिट हैं। लोगों का आप हाल देखिए अस्पताल के बाहर अर्पिता, बहुत परेशान लोग लग रहे हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं बाहर अस्पताल के रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी लगी हुई है, अंदर जाने की इस वक्त किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर कुछ नेतागण हैं जो उनसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो भी इस वक्त कुछ बातचीत उनसे ज्यादा हो नहीं पाई है। यहाँ के लोकल महापौर भी आए थे और आरएलडी से भी समर्थन मिला हुआ है। ठीक है मिलन, नजर बनाए रखिए आप। तो देवबंद में चंद्रशेखर पर हुए हमले पर सियासत भी अब तेज हो गई है, विपक्ष एक बार फिर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे को लेकर हमलावर है। देवबंद में भीम आर्मी के चीफ पर चली गोलियों की गूंज अब लखनऊ में भी सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी राज में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा, यूपी में जंगल राज। समाजवादी पार्टी की सहयोगी आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के काफिले पे जिस तरीके से घेर के गोली चलाई गई वो उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश में कोई कोर्ट रूम में सुरक्षित नहीं है, जेल में सुरक्षित नहीं, थाने में सुरक्षित नहीं, सड़क और घर पे सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो लगातार बिगड़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी इस हमले की निंदा करती है और हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उत्तर प्रदेश की सरकार से करती है। उधर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के हमलों पर पलटवार किया है, एसपी के इतिहास को याद दिलाया है। अखिलेश जी, पुलिस से पहले आप जान गए कि अपराधी कौन है, तो कृपया उनका नाम उजागर कीजिए और कानून की मदद कीजिए। योगी सरकार में किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। एसपी की सरकार नहीं है जहां राजनीतिक विरोधियों के हथियारों को खुला संरक्षण दिया जाता था। चंद्रशेखर पर हुए हमले की गूंज यूपी के बाहर भी सुनाई दे रही है। हरियाणा से लेकर बिहार तक विपक्ष एक्टिव हो गया है। भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर अपराधियों का दुर्भाग्यपूर्ण हमला उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का परियाचक है। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बहरहाल सियासत का खेल जारी है, जहां यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को चौतरफा घेर रहा है।